यूट्यूबर, खिलाड़ी, अभिनेता, ब्लॉगर समेत राम भक्त करीब 200 लोग रामेश्वरम से अयोध्या रामोत्सव यात्रा करते हुए कल अजनी चौक हनुमान मंदिर में पहुंचे, जहां नागपुर हिंदू जागरण समिति ने ढोल ताशाओं के साथ यात्रियों का स्वागत किया। रामेश्वरम से अयोध्या के लिए जा रही रामोत्सव यात्रा के शनिवार को नागपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अजनी चौक स्थित हनुमान मंदिर में यात्रा के पहुंचने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, गुलाब के फूल की वर्षा की गई। रामोत्सव यात्रा संगठन नई दिल्ली की ओर से आयोजित इस यात्रा में देश भर के इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, ब्लॉगर, खेल व फिल्म क्षेत्र के लोग शामिल हुए हैं। नागपुर हिंदू जागरण समिति की ओर से विधायक प्रवीण तटके, संजय भिंडे, गिरीश व्यास, मुन्ना यादव, श्रीपाद बोरीकर, संदीप गवई, संजय बंकाले, अश्विनी जिस्कार, रितेश गावंडे, किशोर वानखेड़े, चंदन गोस्वामी आदि उपस्थित थे। यात्रा कोराडी से गंतव्य की ओर पड़ी। रविवार सुबह रामटेकगढ़ मंदिर में दर्शन कर जबलपुर के लिए निकलेगी। यात्रा से जुड़े मलाई दीक्षित ने बताया कि वनगमन यात्रा के दौरान प्रभु रामचंद्र, माता सीता तथा भ्राता लक्ष्मण जिस मार्ग से वनवास गए थे, ठीक उसी मार्ग से होते हुए यह यात्रा नागपुर में आई है। यात्रा के दौरान वनवास मार्ग की मिट्टी तथा जल को एकत्रित करे हैं। इस मिट्टी और जल को अयोध्या में राम मंदिर के पास वृक्ष में डाला जाएगा, जो कुछ दिनों में वट वृक्ष बनकर प्रभु रामचंद्र की सेवा में अर्पित होगा। 150 पुरुष, 30 युवतियां 4500 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। जो आप सभी लोगों ने इस अद्वितीय, अभूतपूर्व प्रेम और आशीर्वाद के लिए, सबसे पहले तो मैं रामोत्सव यात्रा समिति की ओर से आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये यात्रा एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जो कि अभी तक किसी ने नहीं करी है। वन गमन पथ पर लोग चले हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग में, जब भारत तकनीक की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो हम लोगों ने ये तय करा कि हमारे सभी सोशल मीडिया के सनातनी इन्फ्लुएंसर साथी राम वन गमन पथ पर होते हुए अयोध्या की ओर कूच करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।